we hear from somewhere, ठीक है ना? There are two reasons which firstly my question is to whom should we blame? I want to focus on two reasons. The road conditions are not good. The people are never bothered about the traffic signals. Selfishness without giving the way while riding the vehicle. Rash driving. Drugging habits of the riders. I have some data I have collected some data, and that is I have taken from the source of government website, and it is 18 to 24 years of age category is the one with the highest risk of all new drivers. Traffic injuries are leading to cause of death of people aged 15 to 44. 97 of the road accidents in 2013 due to the rash driving. There are certain problems, parking problem, half road constructions, roads are not wide, rash driving. जब कोई रेड लाइट देखता है तो वो लोग रोकता नहीं है. देन ऑल्सो द पीपल आर पासिंग, और जो ऑपोजिट साइड से जो पार हो रहा है उसकी वजह से क्लैश हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है. और जब पुलिस ऑफिसर्स पकड़ते हैं फॉर हेलमेट एंड लाइसेंस, दो राधा देन वो लोग कोई मेजर स्टेप लेना चाहिए, दे जस्ट टेक मनी एंड वो गेट ऑफ कर देते हैं और कुछ नहीं होता है. और ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी तक चल रहा है. एंड जो रॉन्ग साइड ड्राइव होता है, हम लोग देखते हैं कि जाम लगा हुआ है, हम लोग नहीं सोचते कि उधर का आदमी कैसे इधर पार होगा. हम लोग बस अपना साइड देखते हैं, हम लोग क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग इट इज ऑल्सो मेजर कॉज. एंड रिगार्डिंग डेडली कर्व्स, आई वॉन्ट टू से लाइक जब डेडली कर्व्स आता है तो उसके एक किलोमीटर पहले ही साइन बोर्ड लगा देना चाहिए कि डेडली कर्व्स आ रहा है, सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ इट. कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाए. एंड रेनी सीजन में इंसान को, मतलब पीपल को, थोड़ा स्मूथली ड्राइव करना चाहिए बिकॉज में ग्रिप नहीं पकड़ पाता है. एंड सम देयर आर सम स्लीपी ड्राइवर्स, जो लोग सोते सोते चलाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट कॉज होता है. प्रॉपर सर्विसिंग होना चाहिए जिसकी वजह से आपका स्टैंड अच्छा से हो, गियर अच्छा से लग रहा है, एंड मतलब आप एक्सीलेटर अच्छा से हो रहा है, ब्रेक मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो सर्विसिंग करवाना चाहिए. That is, there are certain amendments जो बनाया गया है कि 40% per speed vehicle को चलाना चाहिए, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि law implement हो चुका है पर actually it's not working. जो government sector, मतलब जो officers लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं देखता है कि कैसे road में इंसान लोग इतना speedly चला रहे हैं, but ये concern नहीं है, वो देखते नहीं है. And amendment ये भी है कि जो age 16 to 18 years है वो लोग का अलाउड नहीं होना चाहिए चलाने. एंड वो लोग ये एक्ट पास हुआ था 2016 में, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड मतलब इसमें बोला गया है कि पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलेगा. एंड आई वांट टू से लाइक कि ये जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप का मेजर कंसर्न है कि वो लोग का एक्सीडेंट होगा तो वो लोग का पॉपुलेशन कम हो जाएगा. जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो इकोनॉमी का प्रोग्रेस रुक जाएगा एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड आई वांट टू से लाइक आई एम हैविंग अ प्राउड फीलिंग रिगार्डिंग दिस दैट प्रो गेयर स्टॉप इट इज अ कैंपेन जो रांची का यूथ लोग स्टार्ट किया है. वो लोग फ्री हेलमेट्स एंड शूज दे रहा है. जब कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है तो वो आ सकते हैं, उसे ले सकते हैं. एंड जस्ट बिकॉज दे वांट टू. एनी क्वेश्चंस? और किसी को कुछ पूछना है?